तस्वीरें बद्दी की सोड़ी पंचायत के गांव नवा नगर की हैं। यहां के लोग आपदा के दिए जख्म से बुरी तरह आहत हैं। करीब 17 दिनों से गुरुद्वारा में शरण लिए ये लोग इस आस में हैं कि कब रास्ता खोला जाए और वे अपने घर लौटें। जिस कुमार है, मैं नौरगे गांव से हूं। हमारे यहां पे बादल फटने के कारण बहुत तबाही हो चुकी है और कि कोई भी यहां पे नहीं आया है और हमारे को किसी से सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं और हमें पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारा यहाँ पे रास्ता ठीक हो जाए। और यहाँ पे मतलब हमें बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ पे रहेंगे तो कुछ भी व्यवस्था है मेरा, मतलब आगे आने वाला हमारा बच्चे जो भी आएंगे हमारे, मतलब कहाँ जाएंगे। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई किसी की, तो हम मतलब यहाँ पे हमारे को तो कोई भी तरफ कोई भी नहीं आता, शादी भी हमारी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई बेरोजगार का भी कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर कंपनी में लगने आते बोलते तुम लोकल हो, लोकल लड़ाई करते, हम तो कुछ भी लड़ाई नहीं करते। बाहर के लोग आते यहाँ पे लड़ाई करते और हमें मतलब उनके कारण हमें भी मतलब नौकरी करने में बहुत दिक्कत आती है। 24 की तरफ रात को मतलब सर बादल फटा था यहाँ पे सर, जो भी यहाँ पे सर बुरा हाल हो चुका है सर, मतलब चोए की सर नदी बन चुकी है, मतलब एकदम सर पैदल जाना पड़ रहा है सर, सारा सामान सर मतलब हमने पैदल निकाला है सर, मेरे को कुछ भी मतलब किसी को प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली सर हमें सरकार से सर, कोई पैसा नहीं चाहिए सर हमें, मतलब भूमि दी जाए सर रहने के लिए, जो भी मतलब सरकार से तरफ से दी जाती है कहीं सेफ जगह पे सर, यहाँ पे मतलब अनसेफ है सर, मतलब टोटली सर, आज नहीं तो कल से यहाँ से चला ही जाएगा सर। अभी सर यहाँ पे मतलब ऐसा कोई भी चेक करने के लिए कोई भी नहीं है सर, हम सर गुरुद्वारे में रह रहे हैं नीचे सर बटोली कला में, वहाँ पे सर हमें संस्था वगैरह आती है सर, जैसे कोई भी वो हमें सहायता कर रहे हैं, तो 1.5 फुट सर और डर चुकी है नीचे सर, मतलब सर ऐसा है कि मतलब ये इस साल नहीं सर, अगले साल तो फिर चला जाएगा, मतलब सर नहीं रुकने वाला नहीं है सर ये। दरअसल 24 अगस्त को बादल फटने से गांव का मुख्य रास्ता और ग्रामीणों की 60 से 70 बीघा भूमि भी नष्ट हो गई। रास्ता बंद होने के चलते ग्रामीण अपने घरों से सामान तक भी नहीं ला पा रहे हैं। समस्या से बुरा हाल देख लो, सारे दरार आ गए, सारे पहाड़ फट गए, बुरा हाल है, क्या करिए, कहाँ जाइए, रास्ते बंद है, रास्ते बंद है, कोई नहीं सुन रहे हमारी, राम कुमार नहीं आया, कोई नहीं आया, जो हमारी समस्या है मेरे बीमार था इलेक्शन के टाइम तो दिन को रात कौन सौंप देते है वोट मांगने सारे, हाँ रात कौन सौंप देते वोट मांगने, हाँ रात कौन सौंप देते वोट फलाना करो चमका करो, हाँ कोई नहीं आया। 15 दिन गुरुद्वारे में बैठे राम कुमार, उधर से कई बार निकल गया पर उसने हमारे को साइकिल में दिखाई भी कहाँ बैठे नौ नकरे बंदे कहाँ बैठे है, उनको देखी कोई भूखे से आए, लोगों ने लगे सेवा करने राशन देने, पर उसने ये नहीं बोले कर इसको कुछ कोई समस्या कोई नवा नगर बंदे पक्के जाए बैठे कहाँ बैठे। प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन ने मौके का मुआयना कर गांव खाली करने के निर्देश तो दिए लेकिन रास्ता खोलने की उनकी मांग पर किसी ने गौर नहीं फरमाया। ऐसे में जहां लोग आपदा की मार झेल रहे हैं वहीं रास्ता न खुलने के चलते वो बेरोजगारी का दंश भी झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्दी उनकी सुनवाई की जाए। मेरा नाम अमरचंद है और गाँव नवानगर है। यहाँ पे 24 तारीख के दिन में CPS साहब, ADC सोलन और SDO नालागढ़ आए थे। इन्होंने गांव का जायज़ा लिया और सारा देखा, यहाँ गांव में दरार आई हुई थी। दरार आने के बाद जब इन्होंने बोला कि कल या एक या दो दिन के अंदर IPH विभाग और जो लोक निर्माण विभाग है इनके सारे लोग आएंगे और यहाँ जायज़ा लेंगे और इस रास्ते को भी ठीक करेंगे और यहाँ जो भी काम होना है गाँव में सारा काम करवाएंगे, लेकिन 24 तारीख से लेकर आज तक यहाँ कोई भी प्रशासन का आदमी दोबारा मुड़ के नहीं आया, ना ही IPH का आया, ना ही लोक निर्माण विभाग का आया। आज तक जितना भी सामान लोगों का निकला एक दिन में दो दिन में निकाल लिया, बाकी सबका सामान घर में पड़ा हुआ है। 24 तारीख की रात को यहाँ गांव से कोई 1 किलोमीटर ऊपर बादल फट गया। बादल फटने के कारण जितना भी पानी था वो सारा पानी गांव के बीच में से एक छोटा सा नाला था उसके बीच में से ही पानी निकला और गांव की सारी ज़मीन भी डैमेज हो गई इधर दोनों साइड की, और वो 6 फुट का नाला जो आज 30 फुट में तब्दील हो गया और सारे आसपास के गाँव को घर को सबको खतरा है यहाँ पे। अब दोबारा कभी भी आने वाले टाइम में जब भी बारिश होती है तो इस गांव का क्या होगा, क्या हशर होगा, कोई जायजा नहीं है उसका, कोई अंदाजा नहीं है। कोई JCB नहीं आई है जनाब, जो भी JCB एक दिन आई थी तो उसने खाली थोड़ा थोड़ा मलबा हटाया, लेकिन वो दूसरे दिन बारिश होने के बाद वो फिर वैसा ही हो गया और उसके बाद कोई JCB नहीं आई। और जब हम उनको फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्टर की JCB आज यहाँ 4 दिन से खड़ी है, कभी उसका टायर पंचर हो जाता है, कभी उसका तेल ख़त्म हो जाता है और वो आज दिन तक काम पे नहीं लगी है।
ये मांगे कि जो हमारे गांव के जो स्थिति है उसका जायजा लें सारे विभाग वाले आके, और यहाँ आईपीएच विभाग के इतने जो सेरला वाली लाइन है 10 इंची की, उसके सारे पाइप टूटे हैं, कम से कम भी 4-5 पाइप टूट के तो नदी में पहुँच गए हैं, और जिनकी हाँ जिनका अभी आज दिन तक किसी ने कुछ आके देखा नहीं है, ना कोई विभाग वाला यहाँ देखने आया है ना किसी ने देखा है। हमें यहाँ कम से कम भी 25 घर हैं, 25 घर में ज़्यादा 120-130 के करीब आबादी है। सारे कुछ गुरुद्वारा में 6 परिवार गुरुद्वारा में रह रहे हैं, बाकी अपना अपना मकान किराए पे लेके रह रहे हैं, लेकिन सबके पशु जो है गांव में ही हैं, क्योंकि बाहर पशु कहीं ले जा नहीं सकते हैं, सबके पास 15-15, 20-20 पशु हैं रखे हुए, तो सिर पे उठा के ले जा रहे हैं, वो भी रास्ता है नहीं है ले जाने लायक, ना उठा के ले जाने का रास्ता है, पैदल चलने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। आप उस दिन आए थे तो सीपीआई साहब ने कहा था कि हम यहाँ पे 2 दिन बाद लोक निर्माण के विभाग के बंदे भेजेंगे आएंगे और वो आपका रास्ता चालू कर देंगे, रास्ता बनवा देंगे, लेकिन लोक निर्माण विभाग का कोई भी आदमी अभी तक यहाँ नहीं आया, ना ही कोई ठेकेदार का आदमी यहाँ की आया है, उसने ना देखा जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हम ये मांग करते हैं कि हमारा ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रोड बन जाना चाहिए नवानगर का, और इसमें आवाजाही चालू हो जानी चाहिए, और आईपीएच विभाग से हमारी ये विनती है कि इस गांव में पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे पाइप टूटे पड़े हैं जो गांव के लिए पानी का वो था, वो पाइप भी आज दिन तक नहीं लगे हैं, 10 पाइप या 15 पाइप की उसकी वो थी, कह रहे थे कि हमारे को 10-15 पाइप लाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, लेकिन 18 दिन के अंदर कोई पाइप नहीं आया, ना ही गाँव का कोई कनेक्शन जुड़ा अभी तक। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।